सो क्योंकि गाइस आज भाई का बर्थडे है सो इसलिए बीइंग ह्यूमन का कैप पहना है मैंने। ऐसा नेहा ने बोला, ऐसा कुछ था नहीं, कैप था, सोचा पहन लें, बट पॉइंट सही है। एंड आज फिर कैप पहने रहते हैं या देखते हैं, धूप हट रही है लेकिन अब तो कैप की ज़रूरत है नहीं। क्या बोलते हो नेहा? तो हट रही है और अभी जा रहे हैं म्यूजियम, तो वहाँ पे तो सूट नहीं करेगा, वही तो इसका सफर भी तक था। देखिए गाइस, बहुत खूबसूरत खूबसूरत से घर है यहाँ पर। हम जिस रोड पर अभी चल रहे हैं, बहुत खूबसूरत घर है, बस पहुँचने ही वाले हैं। 0.5 miles 2 minutes में है जो म्यूजियम हम जा रहे हैं। बट घर देखिए गाइस, बहुत ही खूबसूरत है, किसी ने क्रिसमस का डेकोरेशन किया हुआ है। सो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं फर्न बैंक। ये आई थिंक डायनासोर का म्यूजियम है। सो लॉट फुल बता रहा है, बट देखते हैं अंदर चलकर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्किंग खाली कर रहा होगा तो हम अपनी गाड़ी लगाएंगे, जैसे जॉर्जिया एक्वेरियम में किया। देखिए सामने से दो गाड़ी निकली हैं, तो देखते हैं, आइए। सो फाइनली हमें कार पार्किंग यहाँ मिल गई है, हम लगा दिया है। प्लेंटी ऑफ पार्किंग है यहाँ पर, सो आप गाड़ी कहीं भी पार्क कर सकते हैं। एंड इस पार्किंग में पार्किंग इज़ फ्री, सो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे, नहीं तो जहाँ जाए वहाँ पैसे खर्च होते हैं यहाँ पर। सो चलिए चलते हैं म्यूज़ियम की ओर। सो ये है गाइस सामने एंट्रेंस, काफ़ी बड़ा है, वहाँ से लेके ये पूरा। अभी हम अंदर चलते हैं। सो बेसिकली ये जगह आपको बताएगी डायनासोर के बारे में, डायनासोर की स्टार्टिंग हिस्ट्री से लेके उनके पार्ट्स हो गए, हड्डी हो गई, बोन्स हो गए, सब चीज़ अंदर होगा मेरे हिसाब से। ऐसा हमने पहले ऑलरेडी देखा हुआ है डायनासोर म्यूजियम, बट ये भी एक है यहाँ का टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो चलते हैं एंड देखते हैं। बेसिकली गाइस ये डेली ओपन रहता है 10 AM टू 5 PM, क्रिसमस एंड थैंक्स गिविंग के अंदर बंद रहता है। सो चलिए अंदर चलते हैं एंड टिकट लेते हैं, एंड टिकट के बारे में आपको भी बताते हैं। सो अगेन, अगर आपके पास सिटी पास है तो ये इंक्लूडेड है वन ऑफ दो स्टॉप अट्रैक्शंस में, और अगर आपके पास सिटी पास नहीं है सो पर एडल्ट है 27.95 एंड सीनियर सिटीजन के लिए 26.95, चिल्ड्रंस 25.95 एंड जो यहाँ के मेंबर्स हैं उनके लिए ये फ्री है। सो यहाँ पर और भी मेंबरशिप फीस 1 year की 2 year की दी हुई है, सो भी आप ले सकते हैं अगर बार बार रेगुलर आप आते हैं तो। सो गाइस ये है मैप, और यहाँ पे हम हैं नीचे एंट्रेंस की तरफ। 3 levels में एंट्रेंस लेवल, लोअर लेवल एंड अपर लेवल। इसके अलावा 2D and 3D शोज भी हैं, तो देखते हैं हम कौन सा शो देखेंगे। एक 2D शो 2 PM का है, एक 3D शो 3 PM का है, 3:30 का है। तो चलो लेट्स एक्सप्लोर दिस फॉर मैट विजिटर मैप। सो यही है गाइस, जैन स्क्रीन थिएटर। सो अलग अलग शो हैं अभी, 2D शोज भी है एंड देन 3D शोज भी हैं। 3D शोज 3:30 को है, 2D 2:45 को है, देखते हैं कौन सा शो हम अटेंड करेंगे। सो गाइज यहाँ पर अभी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट डिफरेंट क्रिसमस ट्रीज हैं। ये आपको अगर मैं दिखाऊँ तो ये है डेनमार्क का ट्री। सो ऐसे फैमिली मेंबर्स ट्री के अराउंड घूमते हैं। अच्छा, गिफ्ट्स ओपन करने से। ओके ओके ओके, तो जैसा नेहा ने बताया कि फैमिली पीपल ट्री के अराउंड घूमते हैं क्रिसमस गिफ्ट लेने से पहले। सो ये कुछ और अदर कंट्रीज़ का है। एंड ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है कैनेडा का, एंड ये जो सामने आपको दिख रहा है टर्की का है, रिपब्लिक ऑफ टर्की। सो अलग अलग कंट्रीज़ के यहाँ पर क्रिसमस ट्री बने हुए हैं। सो ये जो सामने आप देख रहे हैं गाइस, ये है टाइमलाइन ऑफ अ लाइफ ऑन अर्थ। सो अगर आप सामने देखें तो 15 billion years ago पहले कैसा था, 2 billion होते होते 10,000 years ago कैसा था। सो 4.6 billion years ago ये हमारा सोलार सिस्टम था, प्लैनेट, एंड देन लाइफ बिगिंस ऑन अर्थ विच इज़ 3.8 billion years ago। ऐसे होते 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 यहाँ पर देखिए गाइस, डायनासोर भी आए थे आगे। 475 million ago प्लांट्स आए थे लैंड के ऊपर, 330 million ago एनिमल्स आए थे, और 225 year ago डायनासोर।
और 65 मिलियन जगह बर्ड्स एंड मैमल्स हैं और 3 to 4 मिलियन है वो अफ्रीका में ह्यूमन एंसेस्टर्स का है। सो ये थिएटर है गाइस, यहाँ पर अभी थोड़ी देर में मूवी स्टार्ट होने वाली है, सो चलिए आइए देखते हैं। सो जॉर्जिया में फेमस है एपलेंशियल माउंटेंस और ये एपलेंशियल माउंटेंस हिमालय से भी हाई है। अराउंड 450 मिलियन ईयर्स एगो ये माउंटेंस को फॉर्म किया हुआ था एंड जॉर्जिया में एपलेंशियल माउंटेंस दिखाई देता है एंड यहाँ पे बताते हैं टेम्परेचर वगैरह। हम लोगों ने भी एपलेंशियल माउंटेंस का काफ़ी रेंज घूमे हैं, वी वेंट थ्रू नॉर्थ कैलिनिया, साउथ कैलिना, न्यू हैम्पशायर में भी एपलेंशियल माउंटेंस थोड़ा बहुत दिखता है, तो हमने भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया है। यहाँ बताते हैं कि डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट पीरियड्स में एंशंट एनिमल्स कैसे बने थे बता रहे हैं। 600 मिलियंस ईयर्स एगो द कैम्ब्रियन पीरियड था एंड ये ऑर्डोवॉक्सियन पीरियड कुछ 500 मिलियन ईयर्स एगो पीरियड था। ये जो कम्बरलैंड प्लेटू है एंड ये भी मतलब जॉर्जिया में अराउंड 540 मिलियन ईयर्स एगो ये हुआ था। ये टाइमलाइन बता रहा है कि लाइफ अडेप्ट कब हुआ था लैंड में एंड प्लांट लाइफ कब हुआ था अडेप्ट। सो प्लांट हुआ था अराउंड 320 मिलियन ईयर्स एगो एंड ये पूरा हिस्ट्री बताते हैं कि कैसे प्लांट्स आए, कैसे लैंड आए, कैसे इंसेक्ट्स हुए, इंसेक्ट्स कैसे अडेप्ट हुए लैंड में, तो इसका पूरा हिस्ट्री यहाँ पे बताया गया है। सो यहाँ पे बताते हैं कि डायनासोर्स का हिस्ट्री कब हुआ। तो बैक देन 225 मिलियन ईयर्स एगो पहले दो ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स आए थे। वन ग्रुप ऑफ रेप्टाइल वॉज टेरिबल लिजर्ड्स एंड दूसरे ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स वो विंग्ड लिजर्ड्स जो कि डायनासोर्स हो गए। तो 225 मिलियन ईयर्स एगो जॉर्जिया में पाए गए फॉसल्स, जॉर्जिया में काफ़ी सारे डायनासोर्स थे, ये उसी का हिस्ट्री बताया जा रहा है यहाँ पर। ये एक रेप्लिका बनाया गया है विंग्ड डायनासोर्स विच इज़ नथिंग बट डायनासोर्स। देखिए कितना ह्यूज, कितना सुंदर लग रहा है। आई थिंक अभी ऐसा लग रहा है तो रियल लाइफ में कितना भयंकर या कितना डरावना होगा ये तो पता ही नहीं है। सामने देख रहे हो ये टूथ है डायनासोर का, जो टूथ है ये उसका फ्रैगमेंट है और ये उसकी वर्टिब्रा है, मतलब जो मुंह की जो हड्डी है ये वो है, ये उसका टीथ एंड जॉ है। तो ऐसे कई सारे फॉसिल्स यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये है कि डायनासोर्स की जो थियोरी कि डायनासोर्स थे या नहीं, तो डायनासोर्स तो थे क्योंकि यहाँ पे जॉर्जिया की इसमें सारे फॉसिल्स दिख रहे हैं। ये डायनासोर्स के एग्स, जैसे कि हर एक मैमल रखता है तो डायनासोर्स भी अपने सारे अंडे एक नेस्ट में रखते थे, सारे डायनासोर्स एक ही साथ रखते थे। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि हाउ दे ले ऑल देयर एग्स इन वन प्लेस। ये जो है इसे बोलते हैं हार्डोसोर। हार्डोसोर इज अ काइंड ऑफ अ लिजर्ड, अ डायनासोर लिजर्ड विच इज़ नॉट हार्मफुल। सो दीज आर हार्मलेस क्रिएचर्स एंड ये भी इसके रिमेन्स भी जॉर्जिया में पाए गए हैं। लिस पाउंड का टूथलेस डायनासोर ये है, देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ये क्रिटेकरियस पीरियड में ये डायनासोर पाया गया था विच इज 40 पाउंड ऑफ टूथलेस फ्लायर एंड इनके जो विंग्स है जो 20 पाउंड्स के हैं। अगेन ये भी हार्मलेस क्रीचर्स है, इनके जो शेल पे जो ये लिखे है दैट इज़ यूज फॉर देयर डिफेंस। वेजिटेरियन डायनासोर देखा है तो ये देखिए, ये जो डायनासोर सामने है दिस इज़ 20 फीट लॉन्ग एंड दिस इज़ अ वेजिटेरियन डायनासोर। सो ये है, सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ वेजिटेरियन डायनासोर एंड इसको बोलते हैं स्टेगोसोरस। तो स्टेगोसोरस इज़ अ काइंड ऑफ अ डायनासोर जो कि है वेजिटेरियन डायनासोर एंड ये जुरासिक पार्क पीरियड में ये डायनासोर्स पाए गए थे। ये पता चला कि जुरासिक पीरियड में कई सारे वेजिटेरियन
मैमल्स थे, वेजिटेरियन डायनासोर्स थे एंड इंसेक्ट्स थे। कहा जाता है कि उस टाइम पे मैमल्स को मीटलेस मतलब मीट खाने वाले एनिमल्स अवॉइड करते थे, दे प्रिफर्ड वेजिटेरियन मैमल्स। एंड यहाँ पे आप सामने देख रहे हो, ये एक और डायनासोर है जुरासिक पीरियड में पाया गया है, एंड दिस इज ऑल्सो वेजिटेरियन डायनासोर। एंड कहा जाता है कि जुरासिक पीरियड में कई सारे बटरफ्लाइज, मैमल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का आविष्कार हुआ था। ये जो स्पैम है उसको बोलते हैं ओकीफो नॉकी स्वैम, एंड ये स्वैम 25,000 ईयर्स एगो पहले स्विमिंग करना जानते थे। तो ये आविष्कार भी यहीं पे जॉर्जिया के फॉरेस्ट में हुआ था। यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है डायनासोर का। ये जो डायनासोर है ये लोअर लेवल पे है, बट हम अभी खड़े हैं वो है अपर लेवल। सो अपर लेवल से इसका पूरा व्यू दिख रहा है, विच इज़ ह्यूज एंड काफ़ी बड़ा एंड काफ़ी बड़ा लग रहा है। ये सामने है हिंदू हाउस होल्ड के श्राइन्स। यहाँ पे बुद्धिस्ट फिगर है और यहाँ पे थाईलैंड के जो स्पिरिट हाउस है दैट इज़ हियर। एंड ये सारे जो है इट्स लाइक सामने आप देख सकते हो बियर जार है, दिस इज़ बाउल जो कि अल्जीरिया के लोग यूज़ करते हैं। ये है जूसर जो कि इंडिया में यूज़ किया जाता है। सो ऐसे डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजियन की जो भी सारी यू नो चीज़ें वो यहाँ पे बताई गई है। ये है, ये सामने इंडोनेशिया की लेडीज़ अपनी वेडिंग पे ये वाला बैंड पहनते थे। एंड सामने ये वाला है, दैट इज़ अ पॉलिनेशियन शील्ड, ये भी पॉलिनेशिया के लोग पहनते थे। सो गुजरात का जो चाइल्ड जैकेट है वो भी बताया गया है यहाँ पे। एंड इंडिया की जो जूती है वो भी रखी गई है यहाँ पे। वी ऑल बॉर्न इन टू ग्रुप्स। कुछ ग्रुप्स हम पैदा होके ग्रुप बनाते हैं, कुछ फैमिली बनाती है, कुछ हम स्कूल कॉलेजेस में ज्वाइन होके हम अपना ग्रुप बनाते हैं, और कुछ अपने इंडिविजुअल चॉइसेस के हिसाब से हम अपना ग्रुप बनाते हैं। तो ये जो म्यूज़ियम अभी हमने बताया गया है, तो ये डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन्स का डाइवर्सिटी यहाँ पे बताया गया है। ऑफ थ्रस्ट, सो रॉकेट्स हैव बीन यूज्ड टू लॉन्च रोबो, एंड अभी अनंत यहाँ पे आप देख रहे हो, सो ही इज़ ब्लास्टिंग दिस। यहाँ पे एक प्रोटोटाइप दिया गया है, सो लेट्स सी कितने फीट तक जाएगा। चलो अनंत रॉकेट करो अपना शुरू। 1 2 अरे वाह, 6 फीट तक गया है तुम्हारा रॉकेट। एक बार और ट्राई करते हैं। चलो करो। सभी प्रेशर फील हो रहा है एंड अभी रिलीज। 8 फीट तक गया आपकी बार, क्या बात है अनंत। आपको जादू दिखाता हूँ मैं, देखिए। मैजिक अनंत का, उन्होंने अभी बॉल फेस किया है एंड अपने आप ग्रेविटी ले रहा है। ऑफ वॉर है जो कि दो बच्चे खेल रहे हैं, कोई भी खेल सकता है। कितनी ऊपर जाएगी,
सो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लोगों को म्यूज़ियम में इंटरेस्ट नहीं है, बट जहाँ अभी हम गए थे खेलने वाला जगह उसमें ज़्यादा लोग जा रहे थे, सो वही है गेम, पैसा वर्थ, अदरवाइज म्यूज़ियम ओके ओके ही लगा मुझे तो। जापानीज फिगर्स है, यह है, ये बच्चों का है, 2 to 9 years old के बच्चे आके खेल सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये जो सारी म्यूजियम्स होते हैं बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं एंड काफ़ी सुंदर सा है, सब अपने आप खेल रहे हैं, कुछ वीडियो गेम्स भी है अंदर, तो देखिए जैसे ये वाला एक वीडियो गेम है, टोटल भी है। सो यहाँ पर कैफ़े भी है गाइज, इनके से अगर आप आ रहे हैं और खाने पीने के लिए देख रहे हैं, सो कैफेज भी है, आप आराम से खा सकते हैं, छोटे मोटे स्नैक्स पिज्ज़ा विज़ा यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, ब्रेवरेजेस एंड ऑल, तो ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। एक क्रोकोडाइल का फॉसिल है नीचे, ये आप देख सकते हो, एंड ये हमारा डायनासोर का एग्जिबिट, कैफ़े भी है खाने पीने के लिए, एंड यहाँ पे आई थिंक, तो अनंत ने अभी अंदर इंक्वायर किया था और ये पता चला कि सिर्फ चीज़ पिज़्ज़ा फ्राइज़ एंड कोक है, जो कि हमें खाना नहीं है और भूख भी नहीं लगी है, कुछ देर बाद कहीं और जाके खाना खाएंगे। बट बाहर की तरफ देख सकते हो इतना ब्यूटीफुल व्यू है एंड लोग बढ़िया खाना खा रहे हैं बाहर बैठ के, व्यू एंजॉय करके, मौसम तो बहुत अच्छा है, नीचे देख सकते हो, इट्स लाइक अ वेरी नाइस प्लेस टू वॉक अराउंड विद फैमिली एंड किड्स, काफ़ी लोग चल भी रहे हैं, ये पूरा एरिया इज़ फॉर वॉकिंग, वॉकिंग अराउंड दिस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ही समझ लो, पूरा जंगल है नीचे, एंड अभी क्योंकि पत्ते झड़ गए हैं तो भी बहुत अच्छा फील आ रहा है, अच्छा लुक आ रहा है, ऐसे मौसम भी अच्छा है, सब वॉक कर रहे हैं, खेल रहे हैं सब नीचे, बच्चे आप देख सकते हो भागा दौड़ी कर रहे हैं, एंड इट्स अ नाइस प्लेस। आई थिंक मुझे सबसे बेस्ट पार्ट म्यूज़ियम का ये ही लगा कि आप बाहर बैठने की इतनी सुंदर सी जगह है और खेलने कूदने का भी है, सामने एक वेदर स्टेशन है, सामने एक ये भी है रोप वॉक करने का बच्चों के लिए, एंड वेदर स्टेशन भी है, थिंक इट्स अ गुड प्लेस। तुम्हें कैसे लगा आनंद बताओ? अच्छा है, वन टाइम विजिट है, आ सकते हैं, आप आना चाहें तो। हाँ, आई थिंक जिनको डायनासोर की हिस्ट्री में इंटरेस्ट है उनके लिए बहुत अच्छा है, हालांकि मतलब ओके ओके था, हमने कई 3D थिएटर रिकमेंडेड है और हाँ, थर्टी को है, तो ऑलरेडी 3 o'clock हो गया, तो वी आर थिंकिंग कि हाफ एन आवर वेट करते हैं, फिर वो देख के फिर हम यहाँ से आगे की ओर हाँ प्रस्थान करेंगे। बट ये आई थिंक यहाँ पे दो और म्यूजियम है, अमेरिकन नेचुरल हिस्ट्री एंड फर्न बैंक म्यूजियम, क्योंकि ये म्यूजियम साइंस का था, डायनासोर का था, एंड यहाँ का 3D थिएटर फेमस है, तो हमने ये वाला म्यूजियम सेलेक्ट किया था। आप अगर इसके अलावा कोई और म्यूजियम देखते हैं तो हमें बताइए कि कैसा है, इज इट वर्थ टू विजिट दैट म्यूजियम और टू विजिट दिस 3D म्यूजियम, कमेंट करके आप बता सकते हो हमें। ये सामने एडवेंचर आउटपोस्ट, ये जो शिप है ये वाइकिंग का शिप है,
सो गाइस ये है वो 3D थिएटर जहाँ भी हम जा रहे हैं एंड 45 मिनट्स का ये शो है पूरा एंड 3D क्लासेस अभी अंदर से मिलेगा। ये एंट्री टिकट्स यहाँ पर, ये फ्री है, इसके अंदर इंक्लूडेड रहता है ये प्राइस। चलिए अंदर चलते हैं। सो ये है गाइस, काफ़ी बड़ा ह्यूज स्क्रीन है एंड काफ़ी ऊपर तक है। सो एंड ये हमारा 3D क्लासेस है। It was my mother who said, if you're going to do a thing, give it all you have. Then, after mating... So guys, अभी हमने देखी 3D movie. So 3D effects में ज़्यादा actually क्या होता है, outside इफेक्ट ज़्यादा इनसाइड वाला इफेक्ट था, जो के पीछे पर्दे के पीछे इफेक्ट आता ना वो वाला था। सो ठीक ठाक था, बट जो 45 मिनट का शो था वो ज़्यादा अच्छा था। एंड गुड थिंग अबाउट द शो इज लाइक यू नो इट विल टेल अबाउट द US वाइल्ड लाइफ प्लेसेस, जिनमें सारी बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं US में घूमने के लायक, स्पेशली द वेस्ट कोस्ट साइड ऑफ इट। तो कोलोराडो हो गया, कैलिफोर्निया साइड हो गया, पैसिफिक साइड हो गया, इडाहो साइड हो गया, शिकागो, ये सब बहुत सी चीज़ें हैं। तो उसके बारे में ये बताता है वो ओवरऑल 45, तो आपको देखना जरूर चाहिए अगर आप आ रहे हैं तो, वो वर्थ विजिट है। तो कल भी हमने कोको कोला का 3D शो देखा था, बहुत अच्छा था, आज का उससे कम था लेकिन अच्छा था। चलते तो अब चलते हैं पार्किंग की ओर एंड एग्जिट होते हैं यहाँ से एंड देखते हैं अब कहाँ जाना है आगे। आई थिंक वी हैव टू गो towards our back side of towards our home. So आज तो हम घर नहीं जा पहुँच पाएंगे क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है, बट देखते हैं रास्ते में कहाँ तक जाते हैं, कहाँ पर रुकते हैं, बताते हैं। सो गाइज ये है संक्रांति इंडियन किचन जहाँ अभी खाने आए हैं। सो पास में ही था म्यूज़ियम से 1 माइल पे। सो चलिए अंदर चलते हैं, दिख तो काफ़ी अच्छा रहा है। सो मल्टीपल ऑप्शन है गाइज, आप मिल भी ले सकते हैं एंड देन साइड्स भी है, समोसे भी हैं एंड आप अपने हिसाब से मिल बना सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, सामने चाय एंड कोल्ड ड्रिंक्स भी है एंड यहाँ पर बैठने का भी ऑप्शंस है। सो यहाँ बैठ कर अभी हम खाते हैं एंड काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन रेस्टोरेंट है, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं अगर आप, मैं आपको दिखाऊँ तो। चलिए खाते हैं। सो ये हमने ऑर्डर किया गाइस, दो राइस, दो बाउल हैं एक्चुअली एंड देन दो नान एंड दो समोसे भी हैं। सो दिखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है। सो खाते हैं एंड फिर आपको बताएंगे फीडबैक। सो फाइनली हो गया है हमारा लंच, अब यहाँ से चलते हैं एंड आज हम जाने वाले हैं ग्रिन्सबोरो में, विच इज़ इन नॉर्थ कैरोलिना एंड यहाँ से ऑलमोस्ट 5-6 घंटे की ड्राइव होगी। वहाँ आज हम रात रुकेंगे एंड कल फिर वहाँ से न्यू जर्सी अपने घर की ओर निकलेंगे। सो चलिए चलते हैं ग्रिन्सबोरो नॉर्थ कैरोलिना की ओर एंड आपको दिखाते हैं रास्ते में अगर कुछ अच्छा दिखता है तो गाइस यहाँ से ग्रिन्सबोरो नॉर्थ कैरोलिना है 325 माइल्स एंड ऑलमोस्ट 5 घंटे अब लगेंगे एंड दिखा रहा है 2025 अराइवल अगर हमने कोई ब्रेक नहीं लिया। ऑब्वियस सी बात है हम ब्रेक लेंगे। सो चलते हैं धीरे धीरे, देखते हैं, आई थिंक 11:30 बजना ही रहेगा रात के। सो जब भी पहुंचते हैं आराम से चलते हैं, आराम से पहुंचते हैं। सो गाइस सामने आप देख सकते हैं लाइन से गाड़ियां हैं, 7 लेन रोड होने के बावजूद इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतनी ज़्यादा गाड़ियां हैं एंड पूरा ये येलो है काफ़ी देर तक आगे। सो 11 माइल्स के बाद हम एग्जिट लेंगे I-85 नॉर्थ की ओर एंड देन 259 माइल्स स्ट्रेट रोड रहेगी। सो होपफुली हम और जब रोड जाएँ तो उसमें इतना ट्रैफिक ना रहे, बट बहुत गाड़ियाँ, चाहे आगे देखो चाहे पीछे भी अगर आप आईने में देखो तो दिख जाएगा आपको। सो गाइस नाइट ड्राइव, आई एम श्योर जो ड्राइविंग करते हैं उनको पता होगा, उनको नाइट ड्राइव की वैल्यू, एक अलग ही मज़ा आता है आप नाइट में जब ड्राइव करते हैं और अगर आपको रोड ऐसी मिल जाए जहाँ पे 70 माइल्स 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैक्स लिमिट हो तो मज़ा अलग ही आता है गाइस, आराम
से गाड़ियाँ चलती हैं एंड बहुत ही अच्छी रोड है, मतलब मक्खन वाली रोड, सीधा आप देखो 241 माइल स्ट्रेट जाना है अभी। सो या एंजॉयिंग द राइड, आराम से चलते हैं। तो हम अभी फाइनली साउथ कैरोलिना एंटर कर रहे हैं। सो अभी तक हम जॉर्जिया अटलांटा में थे, अभी हम साउथ कैरोलिना स्टेट एंटर कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में इतनी ट्रैफिक है, हम पिछले हाफ अ माइल से देख रहे हैं बहुत सारे ट्रक्स कार्स फंसे हैं, यही है पूरी लाइन तब से स्टक है लोग। सो गाइस यहां से 149 माइल्स और है, 2 hours 13 minutes दिखा रहा है यहां से टूवर्ड्स और होटल जो हमने बुक किया है अभी। एंड देखा जाए तो अभी तक 3 hours 8 minutes का ड्राइव हम कंटिन्यूसली कर चुके हैं, 180 माइल्स हम ट्रैवल कर चुके हैं। यहाँ को मैं बोलूँगा मेरा स्पीडोमीटर दिखाए तो आपको भी नज़र आएगा। एंड अगर देखें 135.1 माइल्स पर गैलन, तो 35 का एवरेज दी है गाड़ी 1 gallon पे। सो एंड कंस अगर देखा जाए तो 58 माइल्स पर आवर जब से हम निकले ऑन एन एवरेज हमने रखा है। सो लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं, सामने का नज़ारा आपको दिखाते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसके कारण अभी स्पीड लिमिट 55 माइल्स पर आवर है। सो होपफुली एक ब्रेक बीच में लेते हैं क्योंकि कंटिन्यूसली बैठना भी ठीक नहीं है, फिर आगे का जर्नी तय करेंगे। और अभी बचा है रात का 8:13. So guys, we are going towards Charlotte, actually it's a right pronunciation, North Carolina, Charlotte, North Carolina. हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला है, सो अभी हम वहीं जा रहे हैं डिनर करने के लिए। सो एक थोड़ा सा डिटूर लेंगे यहाँ पर 21 एग्जिट पे 1.1 माइल्स पे एंड थोड़ा सा ब्रेक भी लेंगे बिकॉज कंटिन्यूसली गाड़ी हमारी चल रही है एंड 3 hours 45 minutes से गाड़ी चल रही है, 220 माइल्स ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर हमने कवर किया है। एंड सो बस अभी चलते हैं डिनर करते हैं एंड आपको बताते हैं कैसा है ये रेस्टोरेंट जो कि शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना में है। सो गाइस ये काफ़ी बड़ा शहर है, मैं आपको बता दूं नॉर्थ कैरोलिना का। एंड क्या बोलते हैं, काफ़ी सारे स्टोर्स हैं ऑलमोस्ट यूएस के जितने भी ब्रांड्स हैं सारे स्टोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, चाहे वॉलग्रीन्स हो, वॉलमार्ट हो, चाहे वो ज्वेलरी दुकान हो, डिक्स के स्पोर्ट्स के दुकान हो, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। सो या एक थोड़ा सा डिटोर है, आई एम श्योर यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं जो कि 9:30 तक क्लोज जाते हैं, ये है 10 o'clock तक ओपन रहता है। तो चलिए चलते हैं। सो ये एरिया काफ़ी न्यू जर्सी से मिलता जुलता लगता है गाइस एंड ये है सामने करी इंडियन क्यूजीन। सो चलिए अंदर चलते हैं एंड जल्दी से कुछ खाना खाते हैं। सो गाइस गर्मा गर्म गोभी मंचूरियन हमारा फेवरेट ऑल टाइम, सो ये हमने ऑर्डर किया है अभी, देखते हैं टेस्ट में कैसा है। सो गाइस गाइस कॉम्बिनेशन राइस है, दाल मखनी है, पनीर बटर मसाला है, समोसा है एंड देन नान है। सो ये है अभी का डिनर। ये गाइस हमें मिला है मैंगो पुड़ी, सो ये मैंगो कस्टर्ड काइंड ऑफ। तो गाइस अभी अभी हम खाना खा के निकले, एक चीज़ बहुत अच्छी थी गाइस वो है हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विस। गाइस बहुत ही अच्छे लोग हैं एंड मतलब उन्होंने जो मांगा वो दिया, जो नहीं मांगा वो भी दिया, लाइक वो मैंगो पल था वो फ्री में दिया, चाय नेहा ने ली वो फुल करके दी एंड सर्विस काफ़ी अच्छी थी गाइस। अगर आप इधर आ रहे हैं तो करी इंडियन क्यूजीन ज़रूर आइएगा। तो चलिए चलते हैं आगे, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है, 10 o'clock हो गया है, पता नहीं 12:30 कितने बजे तक पहुँचते हैं, चलते हैं। तो बहुत ही बढ़िया शहर है गाइस शार्लेट, अगर आप यहाँ पे रिलोकेट भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे सब फैसिलिटी है, आप इजीली रिलोकेट भी कर सकते हैं। तो चूंकि हम खाने रुके थे सो हमारा टाइमिंग 1 घंटा बढ़ गया है, अब हम पहुँचेंगे 11:44 को, 104 माइल्स 1 hour 28 minutes। सो गाइस अभी हम आए हैं सैलिसबरी नॉर्थ कैरोलिना के पास एंड गैस भरने के लिए, पेट्रोल ख़त्म हो गया था। तो सो यहाँ से 50 माइल्स और है हमारा होटल
सो एंड मोमेंट पे था हमारा पेट्रोल, तो हमने रिस्क नहीं लिया नेशनल हाईवे पे। सो जल्दी से पेट्रोल भरते हैं फिर आगे चलते हैं। नॉर्थ के लिए आया तो यहाँ पे पेट्रोल खुद भरना पड़ता है। सो अभी हमने पेट्रोल लगाया हुआ है ऑटो क्लच पर, देखते हैं कितना जाता है आज इसका बिल। तो जैसा आपको पता ही है न्यू जर्सी में पेट्रोल खुद मतलब भरने वाले रहते हैं एज़ पर देयर लॉ, बट बाकी कंट्रीज़ में अपने को खुद ही भरना पड़ता है। और आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है, तो ठंड है एंड काफ़ी ज़्यादा ओस भी है। सो चलिए जल्दी से भरते हैं फिर आगे चलते हैं। अभी बज गए हैं 11:05। सो 14.29 गैलन भराया, $41.16 पड़ा हमें यहाँ पर, क्योंकि आज रेट है 2.87। सामने देखिए बहुत फॉगी है इस वक्त सारा, एंड अभी भी फॉग थोड़ा कम हुआ है, नहीं तो बीच बीच में फॉग आता जा रहा है इस वक्त में। ऊपर आपको दिख रहा होगा एरोप्लेन जा रहा है, सो वो रेड जो दिख रहा है वो देखिएगा इस टावर है, टावर है एक्चुअली, पूरा फॉगी है वो। सो गाइस फाइनली हम अपने प्रॉपर्टी पहुंच गए हैं, वैद्यनाथ गार्डन होटल, एंड ये है वो प्रॉपर्टी, सामने है रिसेप्शन एंड गाड़ी हमने यहाँ पार्क की है। सो चलिए चलते हैं आज आराम करते हैं। ये है ग्रीन्सबोरो नॉर्थ कैरोलिना। सो चलिए अंदर चेक इन करते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा ओस है, कल सुबह तक गाड़ी फॉर श्योर ओस से कवर हो जाएगी। ये है एंट्रेंस, चलिए चलते हैं अंदर। सो ये है रिसेप्शन एरिया गाइस, क्रिसमस ट्री, ये यहाँ पर रिफ्रेशमेंट एरिया भी है गाइस, आप बेवरेजेस स्नैक्स ले सकते हैं, एटीएम भी है एंड नो। सो वी हैव टू गो फोर्थ फ्लोर, आवर रूम नंबर इज 435, लेट्स गो। सो वी हैव टू वॉक अ लॉट बिकॉज इट्स 435 एंड में होना चाहिए। सो वी विल शो यू द रूम टूर क्विकली। ये है अगेन द क्लोजेट एरिया, यहाँ पे लॉकर भी है एंड ये है बाथरूम, ये मैं, नाइस नीट एंड क्लीन बाथरूम, ये है टब शावर एरिया, लेट्स गो टूवर्ड्स द बेडरूम। सो ये है बेडरूम, दो बड़े क्वीन साइज के बेड एंड टीवी, माइक्रो ओवन, लैंडलाइन, पुराने जमाने का लैम्प, कॉफी मशीन, सी, सोफा एंड दिस इज द व्यू आउटसाइड। अभी तो आई थिंक ये पार्किंग व्यू है बैक साइड का, सुबह समझ आएगा। सो ये है हमारा नाइस नीट एंड क्लीन रूम। सो ये था गाइज आज का हमारा चौथा दिन, एंड अटलांटा में हमने जो बचे हुए अट्रैक्शन वो कवर किए, फिर वहाँ से निकल के हम आ जाए हैं ग्रीन्सबोरो नॉर्थ कैरोलिना, जहाँ स्टे करेंगे, फिर कल हम निकलेंगे अपने घर न्यू जर्सी की। एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग ड्राइव टुमारो, इट इज़ गोइंग टू ऑलमोस्ट 9 to 10 आवर्स ऑफ ड्राइव, सो कल सुबह निकलेंगे। तो ये था आज का दिन हमारा, आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड तब तक के लिए बाबा बाय बाय, टाटा गुड नाइट।